So, hi everyone, welcome back to your channel. So, in this video, we'll be discussing the most important topic of physics. केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओके तो फिज़िक्स का हम तभी करेंगे जब वीडियो शॉर्ट बनेगी वरना मैं नेक्स्ट वीडियो कल ही लेके आ जाऊँगी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो तब तक आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पोर्शन अपना रिवाइज कर लीजिए एंड ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग है जो मैंने टू थ्री ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग है जो uh, कुछ गर्ल्स ग्रुप uh, से निकली थी uh, निकले का मतलब क्या सेलेक्ट हो गई थी उनसे डिस्कस किया है तो उनको जो इम्पोर्टेंट लग गया उन्होंने मुझे बताया फिर हमने डिस्कस करके पूरी लिस्ट तैयार करी है तो ये उसके अकॉर्डिंग है प्लीज़ इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना क्योंकि पेपर हम नहीं बनाते उन्होंने जो टॉपिक्स टौ, टौ, पढ़े थे उन्होंने मेरे को बोले मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो नोट no डाउन करे एंड फिर मैंने ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट एट टूडेज़ वीडियो तो हम अब चलेंगे इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के एन की ओर एंड उसमें जो पहला चैप्टर आप करेंगे ट्वेल्थ uh, की एन बुक में मिल जाएगा आपको दैट इज़ योर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने ये साइट इसलिए खोली है ताकि मैं साथ में साथ आपको दिखा सकूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं uh, जैसे कि आप पे क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टेक्निक इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एस ए क्वेश्चन ठीक है विच और कैन बी बेस्ट कॉन्सनट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूनिट लाइक इस चैप्टर से ये भी आ सकता है उसके बाद नेक्स्ट uh, देख लेते हैं काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज ठीक है ऐसे क्वेश्चन तो जनरली uh, आपको थियोटिकल क्वेश्चन पर जाना है आपको गूगल से मिल जाएंगे क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहे तो ए आई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए वहाँ पर जो थियोरटिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना तो वो आप कर लेना ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स uh, क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स इतना घुमा के नहीं आता अगर आपको थोड़ा बेसिक बेसिक पता है ना अब बेसिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल

सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ की बुक पढ़ के चले जाओ बेसिक का मतलब है लेवेंथ ट्वेल्थ का जो बेसिक होता है ना अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ठीक है और आपको यही नहीं पता कि विच और कैन बी बेस्ट कॉन्सनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फिर प्योरस फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो मतलब आपके बेसिक क्लियर नहीं है है ना तो आपको बेसिक पे जाना है जो बेसिक चीज़ें होती है थियोटिकल चीज़ पर जाना है और जिस चैप्टर के कुछ यूनिट्स वगैरह दिए होते हैं कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं वो आपको नोट डाउन करना है वो भी रिवाइज करना है क्योंकि कभी कभी वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ पे आप ये टेबल भी देख सकते हैं ये भी मैंने गूगल से ही आपके लिए डाउनलोड करा था जैसे अकरेंस ऑफ मेटल है तो ये जनरल प्रिंसिपल ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मेटल दे रखा है और पूछ लिया या फिर मेटल दे रखा है कंपोजिशन पूछ लिया है ना तो ऐसे कुछ टेबल्स भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं नेक्स्ट जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेवन की एनसीआरटी से दैट इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे आप सॉलिड लिक्विड गैसेस और स्टेट्स ऑफ मैटर आप थोड़ा बेसिक भी पढ़ेंगे अलेवेंथ ट्वेल्थ के एन से तो पढ़ना ही पढ़ना है अब इसमें जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है फर्स्ट कि द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड विद इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर इज कॉल्ड तो इसको क्या बोलते हैं ये थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो ये तो बिना पढ़े ही आ जाना चाहिए दैट इज योर कैपलरी एक्शन है ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्पेरिकल ड्यू टू तो स्पेरिकल क्यों होता है जब पानी गिरता है नीचे तो वो स्पेरिकल शेप का क्यों होता है, है ना क्यों होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है है ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देख लेने चाहिए और द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट शोज़ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत बेसिक होते हैं वो आपको कर लेना है नेक्स्ट जो आप चैप्टर करेंगे दैट इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब देखो आप ये इलेवन ट्वेल्थ के एन से भी करोगे एंड uh, एक क्लास नाइन्थ में भी ये चैप्टर है क्लास नाइन्थ से करो या ना करो पर बेसिक अपने प्लीज़ क्लियर करके जाना पता चला बहुत इलेवन ट्वेल्थ का सब कुछ करके चले गए एंड छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक वाले आ गए जैसे कि आप पे क्वेश्चन है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय है ना तो ये क्लास नाइन्थ में सब कुछ कवर है अब बैठ के क्लास नाइन्थ की एन मत पढ़ना कहीं से समरी मिल जाएगी बाईजूज या फिर uh, वेदांतु कोई भी साइट सा इलेवेंथ ट्वेल्थ के अब प्लीज़ एक चीज़ है एनसीआरटी बैठ के मत पढ़ना जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है हाँ जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिविजन के लिए दोबारा पढ़ सकता है लेकिन जिनका सिलेबस नहीं हुआ है कवर वो बैठ के अब नाइन्थ और टेंथ की एनसीआरटी मत पढ़ना 11, ट्वेल्थ की भी नहीं क्या करना है चैप्टर नेम डालना है और उसका जो समरी आता है ना दो तीन पेज का वो पढ़ लेना है ठीक है Uh, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको जो जनरल फॉर्मूला होते हैं या फिर uh, जो यूनिट्स दी होती है ऐसे कुछ आपको पढ़ लेना है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है द चार्ज ऑन एन एटम सॉरी ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू तो, atom, uh, sorry, to, तो uh, देखो चार ऑप्शन दे रखे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अब मैंने जैसे बोला था कि आपको फॉर्मूला वगैरह एक बार देख लेना है और कभी कभी हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल भी आ जाए बेसिक वाले जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड तो ये कुछ कन्फिग्रेशन दे रखी है इसमें अनपेयर नंबर पता करना है इलेक्ट्रॉन का तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कर लेने चाहिए जिनका रिवीजन चल रहा है और जिन्होंने नहीं करा वो तो समरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइव एस तो ऐसे करके कुछ बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे एंड जो थियोरटिकल पोर्शन होगा वो आप uh, जिनका हो चुका है वो रिवाइज करिए जिनका नहीं हुआ है वो सिर्फ समरी पड़िए नेक्स्ट जो आप चैप्टर करेंगे दैट इज़ योर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ठीक है ये वाला चैप्टर करेंगे इससे आपको क्या करना है सिंपल uh, सिंपल uh, जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वो करने हैं एंड थियोरटिकल पोर्शन भी पढ़ना है अब मैं सिंपल क्वेश्चन आपको बताती हूँ जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है द एस पी थ्री डी टू हाइब्रोडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम ऑफ ए मॉलिक्यूल वुड लेट टू तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको पता होना चाहिए बहुत बेसिक है जिन्होंने ये चैप्टर करा होगा तो उनको पता ही होगा उसके बाद uh, और भी चीज़ें हम देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पैरा मैग्नेटिक तो ये तो थियोटिकल वाले में आ गया ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि पे दे रखा है अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवल इन कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड तो आपको बताना है तो ये भी थियोटिकल क्वेश्चन में से आ सकता है फिर है द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड तो ये भी सिग्मा कितने हैं बॉन्ड कितने हैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ आई एफ सेवन है ना तो ऐसा करके आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स एसोसिएटेड विद जेड ई है ना तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस uh, होते हैं वो आपको पता होने चाहिए अवेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स कैन भी अकाउंटेड ड्यू टू तो ये देखो मैंने साइट खोली है क्वेश्चन पेपर्स डॉट नेट डॉट इन तो इसमें मुझे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं तो ऐसे टाइप के आप कुछ क्वेश्चन कर लेना नेक्स्ट जो आप चैप्टर करेंगे दैट इज़ योर एस पी डी ब्लॉक तो इसमें भी आप थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पाउंडर्स वीकेस्ट लुइस एसिड तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं विच डज नॉट शो इन एट पेयर इफेक्ट तो मैं रैंडम क्वेश्चन उठा रही हूँ ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे और मार्क द ऑक्साइड विच इज़ एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर है ना तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना कुछ भी आ सकता है तो ये आप आ, कर सकते हैं YouTube की हेल्प से भी कर सकते हैं और Google वगैरह या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे भी कर लेना बट कर लेना नेक्स्ट जो मैं आपको चैप्टर का नेम बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर मस्त नहीं होना चाहिए पॉलीमर इससे सी में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एन में भी आते हैं और एक दो बार एम में भी आ रखे हैं तो पॉलीमर चैप्टर आप अच्छे से करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल बेकेलाइट इज तो बेकेलाइट क्या है थर्मो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एडिशनल पॉलीमर है इलास्टोमर है है ना और ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट uh, हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं हाँ नाइलॉन सिक्सटी सिक्स एज अ पॉलीअमाइड ऑफ है ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ऐसे क्वेश्चन मोनोमर ऑफ पी वी इज ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज अ होमो पॉलीमर तो ऐसे कुछ जो थियोटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लेना तो नेक्स्ट जो आप चैप्टर करेंगे दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ तो इससे भी काफ़ी सारे थियोटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं मतलब आएगा तो एक ही दो बट चैप्टर तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा तो यहाँ पर स्क्रीन में जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं और ये जो है ना नीट 2014, 13, 16 तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं आप ठीक है Uh, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है आर्टिफिशियल स्वेटनर विच इज़ अ स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली इज़ तो इसमें आपको बताना है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना नेक्स्ट जो आप चैप्टर करेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन चैप्टर तो इससे भी काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड तो ये सारे उसके हैं नीट के हैं आई गेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे द मोस्ट अबेंडेंट आइजोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज है ना तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैंने अभी रीड करा फिर फिर यहाँ पे सॉलिड हाइड्रोजन द इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज़ है ना तो ऐसे बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं द लाइटे गैस इज है ना ऐसे क्वेश्चन तो एम एन एस में आते ही आते हैं फिर uh, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मुझे इतना कुछ खास नहीं मिला बट ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन कर लेना ये नीट डॉट प्रेप डॉट कॉम नीट प्रेप डॉट कॉम से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं तो इस साइड से भी आप कर लेना क्वेश्चंस। ऐसे ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस कर लेंगे और सरफेस केमिस्ट्री के भी कर लेंगे तो टोटल मैं आपको टेन टू ट्वेल्व चैप्टर्स बता चुकी हूँ नेक्स्ट मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ जो बहुत बेसिक है लेकिन वो आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आप सॉलिड लिक्विड गैस वाला चैप्टर कर लेना है ना तो उसमें आप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और किसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है किसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है इससे जो छोटे छोटे एम बन सकते हैं वो कर लेना सब्लिमेशन क्या होता है कंडेंसेशन क्या होता है है ना एवेपोरेशन क्या होता है ये आ, ऐसे टॉपिक्स वॉट इज डू यू मीन बाई आइटम्स मॉलिकुल्स ऐसे आइटम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ही आएगी बट uh, फिर भी उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ यूनिट uh, फॉमूला कुछ मिल जाता है तो वो पढ़ लेना मिक्सचर क्या होता है सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा ट्रू सल्यूशन होता है कोलाइडल सोल्यूशन होता है होमोजिनस हैड्रोजनस है ना फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं सपरेशन की है ना uh, जैसे कि कैम्फ़र को अगर आपको अमोनियम क्लोराइड से सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे ये सारा आई गेस नाइन्थ के एन में है तो ऐसे कुछ चीज़ें आप बहुत छोटी छोटी हैं मतलब आपको ना हाफ एन आवर या फिर एक घंटा लगेगा जैसे कि मैंने अभी बोला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका क्या होता है एवेपोरेशन सब्लिमेशन कंडेंसेशन तो अगर आप ये चार पांच टॉपिक भी पढ़ेंगे एक घंटे में हो जाएगा फिर uh, जैसे कि मैंने बोला सोल्यूशन है ना सोल्यूशन होमोजेनस हाइड्रोजनस ट्रू सोलूशन कुल आइडियल सल्यूशन है ना uh, तो ये भी एक घंटे में हो जाएगा फिर मैंने बोला आपको टेक्निक्स पढ़ लेना किस को कैसे सपरेट करता है वो एक घंटे में हो जाएगा क्योंकि ये वो चीज़ें हम नाइन टेंथ में पढ़ चुके हैं तो उसमें एक एक घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं फिर आइडियल गैस क्या होती है रियल गैस क्या होती है उसकी थोड़े बहुत एप्लीकेशंस वगैरह है ना देख लेना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और क्या बोलते हैं डिस्कवरी पता होनी चाहिए है ना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और कि थॉड एंड ऑन कि टाइन एंड है ना एटॉमिक uh, नंबर क्या होता है मास नंबर क्या होता है डेफिनेशन ही आएगी ऑब्वियस सी बात है बट फिर भी वो टॉपिक पढ़ लेना उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं आइजोटोप्स आइजो बार आइजोटोन्स रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन आ सकता है रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ में आ सकता है, है ना फ्यूजन क्या होता है फ्यूजन क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन उसके एप्लीकेशन है ना एप्लीकेशन ज़रूर दे देख लेना क्रोमोटोग्राफी के एप्लीकेशन वगैरह फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा बहुत देख लेना एसिड बेथ सॉल्ट में होता क्या है और इंडिकेटर्स कैसे कैसे होते हैं कब ब्लू होता है कब ग्रीन होता है रेड होता है ये सब इंडिकेटर्स देख लेना ठीक है पी वैल्यूज देख लेना सबकी मत रटने बैठ जाना हल्का फुल्का देख लेना और फिर मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर देख लेना क्लास टेंथ का है लाइट मेटल्स हेवियस्ट मेटल ऐसा मेटल ऐसा नॉन मेटल सॉरी ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है एट एट रूम टेम्परेचर ठीक है ऐसे क्वेश्चंस ये वाला चैप्टर मेटल नॉन मेटल आप आ, टेंथ की बुक से ज़रूर कर लेना मेटल नॉन मेटल का ठीक है फिर एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन का होगा वो भी कर लेना आ, टेंथ की बुक से आ, फिर मेटल ओर्स पक्का कर लेना मैंने उसके टेबल भी आपको दिखा दी थी तो मेटल और कर लेना फिर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर किस एलिमेंट uh, के प्रेजेंट होने की वजह से होता है ठीक है या फिर वो टॉपिक ही पूरा कर लेना फिर uh, कुछ टॉपिक्स uh, होते हैं सोप डिटर्जेंट से रिलेटेड वो कर लेना फिर जनरल uh, फार्मूला uh, जो हमारे सॉल्ट के जनरल फार्मूला होता है ना वो कर लेना सोडियम बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं उसका फार्मूला क्या होता है ऐसे सॉल्ट से रिलेटेड फिर uh, कुछ कंपाउंड uh, होते हैं Uh, जैसे कि uh, मान ली मान लीजिए आपको सीमेंट दे दिया जिप्सम दे दिया उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के तो ऐसे कुछ uh, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले ठीक है और uh, ये कोई मतलब आपको लाइक छोटे बच्चे तो हो नहीं ना कि आपको ऐसे टॉपिक्स आपको बताने पड़े पढ़ने के लिए बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा डाउट है तो मैं बता देती हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ना है और वो जो मैंने एट आठ से दस चैप्टर एलेवन ट्वेल्थ की एन सी आर टी बुक से दिया वो भी पढ़ना है ठीक है एक टेंथ की बुक में ना कार्बन एंड कंपाउंड दिया होगा उसका समरी एक बार देख लेना दो तीन पेज का मिलेगा वो देख लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरा पढ़ लेना एक दो पेज में ही ख़त्म हो जाएगा वो केमिकल uh, बॉन्ड्स एक बार देख लेना ठीक है uh, किस में पाई बॉन्ड होता है किस में सिग्मा बॉन्ड होता है किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना फिर uh, uh, फिर इतना ही है थोड़े पॉल्यूटेंट्स वगैरह भी देख लेना है ना ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन है ना ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये छोटे से ही पढ़ के आ रहे हैं पर फिर भी मैं एक बार बोलूँगी रिवाइज कर लेना तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म होता है तो केमिस्ट्री में मैंने आपको इलेवन ट्वेल्थ की केमिस्ट्री से अच्छा एक इक्विलिब्रियम और मैंने थर्मो छोड़ दिया था वो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि उसमें ना ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं और थियोटिकल पोर्शन थोड़ा कम है तो उसमें जो थ्योटिकल पोर्शन है जो जनरल फार्मूला वगैरह होते हैं वो देख लेना आप और अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल गई आपको तो वो ज़रूर पढ़ लेना तो वो अलेवेन्थ ट्वेल्थ से आपको आठ से दस चैप्टर मैंने बता दिए हैं शायद दस से बारह हो चुके हैं वो दस से बारह में से मुझे लगता है आप आठ नौ तो कर ही चुके होंगे जिन्होंने शुरू से प्रिपरेशन करी है एंड कुछ मैंने जनरल टॉपिक्स बताए हैं कुछ टर्म्स uh, बताया वो भी एक बार देख लेना ठीक है है और ये आपका केमिस्ट्री पोर्शन यहीं ख़त्म होता नेक्स्ट चलेंगे हम बायो की बायो की तरफ देखो में ना पूरी एनसीआरटी आनी चाहिए अब मैं दोबारा क्या बताऊं पर फिर भी बताती हूं प्लांट फिजियोलॉजी आप सबसे पहले करेंगे ठीक है प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे एनसीआरटी से ठीक है लूसेंट वूसेंट जो लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं वही पढ़ेंगे लेकिन जो शुरुआत से एन सी कर रहे वो एन से ही रिवाइज करना प्लांट फिजोलॉजी मॉर्फोलॉजी वाला एक चैप्टर होगा उसके बाद आपको एनाटॉमी मिल जाएगा ठीक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समथिंग ऐसे करके रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मिल जाएगा उसमें ह्यूमन एंड प्लांट दोनों का रिप्रोडक्शन करेंगे ठीक है तो ये तो प्लांट से रिलेटेड रे, चार पाँच चैप्टर्स हो गए उसके बाद आप करेंगे ह्यूमन फिजोलॉजी क्या करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि उसी से चार पांच क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा आता है, होता है कि आते ही नहीं है बट आपको छोड़ना नहीं है ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे ठीक है अब ह्यूमन फिजियोलॉजी आप करने बैठोगे अभी एक एक लाइन तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें भी आप क्या करना समरी ले लेना आ, किसी भी इंस्टीट्यूट की बाय अगेन मैं वही वेदांतू एंड ऑल बोलूँगी या फिर एल एन की आकाश की कुछ भी मिल जाए समरी आपको करना है ठीक है तो ह्यूमन फिजोलॉजी कर लिया उसके बाद आप करेंगे माइक्रोब्स वाला चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन माइक्रोब्स इन समथिंग कुछ चैप्टर है मुझे अभी याद नहीं आ रहा आ, तो वो माइक्रोब्स वाला चैप्टर कर लेंगे उसके बाद आपको चैप्टर मिलेगा जेनेटिक्स का जेनेटिक्स की तो पूरी यूनिट है जेनेटिक्स में आप आ, देखो जनरल टर्म्स पढ़ लेंगे और जो लॉस वगैरह देख रखे हैं वो पढ़ लेंगे ठीक है बायोटेक वाले चैप्टर में उसके एप्लीकेशन एंड जो जनरल टर्म्स दी होती है और अगर कहीं पर डिस्कवरी इन्वेंशन कुछ मैंशन है ना वो पढ़ लेंगे ठीक है क्योंकि आ, बायो में मैंने देखा है एक दो क्वेश्चन डिस्कवरी इन सबसे भी आ जाता है ठीक है ये किसने डिस्कवर किया था ऐसे करके कुछ ठीक है फिर इकोलॉजी की जो पूरी यूनिट है उसका आप देख लेना रिवाइज कर लेना और हाँ एक ना सेल स्ट्रक्चर करके है एक नाइन्थ में भी है चैप्टर वो थोड़ा देख लेना और सेल वाला ना इसमें लेवन ट्वेल्थ में भी है तो वो वाला भी देख लेना ओके फिर आप करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप लेवन ट्वेल्थ के बुक से भी करेंगे और जो बेसिक होते हैं ना क्वेश्चंस वो भी करेंगे जैसे ये डिजीज़ किससे होगी वायरस से होती है बैक्टीरिया से होती है है ना तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे बायो पोर्शन भी कंप्लीट होता है आपको बायो की एन करनी है और जिन्होंने एन नहीं कम्प्लीट करी है वो समरी लेंगे ऐसी इलेवन ट्वेल्थ में भी एन करनी है जिन्होंने एन करा है वो एन कर लें एंड जिन्होंने नहीं करा है वो समरी ले लें ठीक है केमिस्ट्री में ट्वेल्थ से तो आते ही है क्वेश्चन लेकिन केमिस्ट्री में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं तो जो मैंने बेसिक टर्म्स बोले उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेना ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है इसलिए इसके कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया वरना मैं नोट्स वगैरह बनाती तो उसमें बहुत टाइम लग जाता इसलिए मैंने सोचा कि पंद्रह दिन है अभी तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ वो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में आप मैंशन कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो किसी के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी टेलीग्राम म का चैनल का नाम है एम एन आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा और अगर आप टेलीग्राम में नहीं है आप यूट्यूब में ही चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगी और उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है सो थैंक यू सो मच गाइस